मृत्यु की सैया पर पड़े पड़े उनके मन में संशय हुआ कि ये कौन सा पाप है जिसकी वजह से ये दुख भोगना पड़ रहा है। तो कब याद आती है जन्मों की? अब सुनो, सामने जब दंड देने वाला हाजिर हो जाए तो हमें सारे कर्म याद आने लग जाते हैं। देखिए, कभी किसी अपराधी को पुलिस पकड़ ले तो पहले थोड़ी देर तो वो बोलता है कि मैंने नहीं किया, और जैसे ही वो पट्टा उतारता है खूंटी से और कमर के ऊपर 2-3 चटकाता है पुलिस वाला, नहीं मुझे कितना भी मार दो, मैंने नहीं किया तो नहीं किया। फिर दूसरा आता है एक और, फिर वो 2-3 बैंत चटकाता है, फिर एक पटे मारता है, एक बेल्ट मारता है, 3-4 लोग हाथ गर्म कर लेते हैं, धीरे धीरे उसकी बुद्धि भी गर्म होने लगती है। फिर वो पहला गुनाह कबूल कर लेता है जो उसने किया था, जिसमें पकड़ा गया, फिर पुलिस वालों को सह हो जाती है, फिर वो अंदर ले जाते हैं, फिर उसको अंदर, फिर वहां उल्टा लटका करके जोश की पिछवाड़े की कुटाई करते, फिर वो पूरे 25 साल का रिकॉर्ड उनके सामने लाके रख देता है, मैंने वहां भी किया, मैंने यहां भी किया, मैं उसमें भी था, मैं इसमें भी था, मैं यहां रख के आया, मैं वहां रख। पुलिस वाले जो पूछ नहीं रहे वो भी बता रहा है। वो ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जब साक्षात भगवान मृत्यु के समय जीव के सामने आते हैं तो हमें भी कई जन्मों की स्मृति पैदा हो जाती है। 2 प्रकार से स्मृति आती है। एक स्मृति आती है योग करने से, जब हम योगी हो जाते हैं तो भी भगवान आते हैं, जब भगवान की प्राप्ति होती है तो भी हमारी स्मृति पूरी हो जाती है, हमें सब याद हो जाता है। और एक भगवान जब यमदूत बन के आते हैं तब भी हमें सब याद हो जाता है, हमने क्या किया क्या नहीं किया। इसीलिए जो भी भगवान हमें बना देते हैं दूसरे जन्म के लिए वही हम स्वीकार कर लेते हैं। भीष्म को 100 जन्म की याद आई, भगवान कृष्ण को भीष्म ने कहा 100 जन्म की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया। तब भगवान कहते भीष्म, तुमने इतने सत्कर्म इतने पुण्य कर्म किए हैं कि तुम्हें आज ये दंड मिला पाप का, पर तुमने बहुत जन्म लिए और तुमने ये पाप किए जो तुम्हें याद नहीं है, उसकी वजह से ये दंड तुम्हें मिलता है। लो आज तुमने पाप भोग लिया तो मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। अर्जुन को कहकर बाण चलाकर गंगा प्रकट कर दी, भीष्म जी को गंगा का जल पिला करके उत्तरायण में प्रवेश करके उनको भगवान ने मुक्ति दान कर दिया।